हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर का पराठा की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है और 2 कप हमने गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे को हम ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच हमने नमक ऐड किया है। अब हमें डो लगा लेना है। अब हम पराठे का डो लगा लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और आटा गूँथ लेंगे। तो हमें ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। आटा यहाँ पे हमने गूँथ लिया है और डो हमारा रेडी है। 1 चम्मच हमने घी ऐड किया है। घी से थोड़ा सा हम मसल लेंगे फ्रेंड्स। हमें आटा को चिकना कर लेना है ताकि इसमें क्रैक्स ना आए। डो को हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। यहाँ पे हमने 200 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से हमें पनीर को ग्रेट कर लेना है। तो पनीर हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर ऐड किया है। 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला ऐड किया है और 1 चम्मच हमने भुना जीरा का पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच हमने अजवाइन ली है। अजवाइन को हम क्रश करके ऐड करेंगे। 3 हमने हरी मिर्च ली है और हरी मिर्च को हमने एकदम बारीक कट कर लिया है। कट की हुई हरी मिर्च हम ऐड कर देंगे। 1 बड़े साइज़ का प्याज हमने एकदम बारीक कट करके लिया है। तो प्याज को ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। सभी मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। पराठे की स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। डो को 10 मिनट हो गए हैं तो अब हमें निकाल लेना है। और डो भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है तो अब हम पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें पेड़े बना लेना है। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का पराठा बनाऊंगी तो मैं मीडियम साइज़ का पेड़ा ले रही हूँ। तो यहाँ पे सूखा आटा लिया है हमने। सूखे आटे में हम पेड़े को डिप करेंगे और इस तरह से हम कटोरी बना लेंगे। फिंगर से हमें इस तरह से प्रेस करना है और इस तरह से हमें कटोरी बना लेनी है। अब हम इसमें स्टफिंग भर लेंगे। स्टफिंग हमें दबा दबा कर भर लेना है। पनीर के पराठे फ्रेंड्स बहुत ही इजी है बनाने में और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। अब हमें बंद कर लेना है। स्टफिंग को हमें अंगूठे से दबाना है और फिंगर से हमें प्रेस करते रहना है और इस तरह से हमें गोल गोल बना लेना है। तो यहाँ पे हम बंद कर लेंगे। अब हम सूखे आटे में डीप कर लेंगे और थोड़ा सा हाथों से प्रेस करेंगे। अब हमें बेल लेना है। हल्के हाथों से हमें पराठा बेल लेना है। तो यहाँ पे हमारा पराठा रेडी हो गया है। सेकंड वाला पराठा बना लेंगे। सेम प्रोसेस से हम सेकंड वाला पराठा बना लेंगे।
सेकंड वाला पराठा भी हमारा बनके रेडी है। तो अब हम पराठे को सेक लेंगे। तो तवा को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। मीडियम फ्लेम पे हमें पराठा सेक लेना है। पराठे के ऊपर हम घी ऐड करेंगे। और पलट लेंगे। और क्रिस्पी होने तक फ्रेंड्स हमें पराठा को सेकना है। पराठा हमारा अच्छे से फूलने लगा है। पराठा को हमें अच्छे से सेकना है फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्पी होने तक। पनीर के पराठे हमारे बहुत ही जल्दी बन के तैयार होते हैं और बच्चों के टिफिन के लिए बहुत ही अच्छा। पनीर के पराठे बच्चों को भी बहुत ही पसंद आते हैं, तो इसलिए आप ज़रूर बनाएं। पराठे को हम निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी हमारा पराठा बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो पूरे पराठे में हमारी स्टफिंग भरी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।